तो ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिला है और हिंदुस्तान में सियासत गर्मा गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटिश पीएम चुने जाने पर भारत में राजनीतिक घमासान मच गया है। पीडीपी और कांग्रेस ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। पीडीपी और कांग्रेस ने ब्रिटेन की तुलना भारत से की और यहां के सियासी माहौल पर सवाल उठा दिया। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएए और एनआरसी पर सवाल उठा दिया और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने पी चिदंबरम और शशि थरूर ने पूछ दिया कि क्या यह भारत में संभव है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पीडीपी और कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन चार राष्ट्रपतियों के नाम गिना दिए जो अल्पसंख्यक थे। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से यहां तक पूछ लिया क्या वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं मानते। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि सिख समाज से आते हैं और वो लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि वो चुन लिए गए हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो ऐसे में सियासत जो है भारत में गर्मा गई है। एक तरफ आप पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को देख रही हैं जो सवाल उठा रही है क्या भारत में संभव है, उन्होंने सीए और एनआरसी पर सवाल उठा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रहे हैं कि क्या भारत में यह संभव है, लेकिन भारत में तो पहले से ही अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जो सिख समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ने पलटवार किया है इस पर। सबसे पहले आपको कांग्रेस नेताओं के वो ट्वीट दिखाते हैं जिनमें सवाल उठाए गए। चिदंबरम और शशि थरूर ने भी ऋषि सुनक के बहाने सियासी हमला किया है और चिदंबरम ने कहा कि भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सीखना चाहिए, भारत में बहुसंख्यकवाद करने वाले लोग ब्रिटेन से सीखें। शशि थरूर ने ट्वीट करके पूछा कि जो ब्रिटेन में हुआ क्या वो भारत में संभव है। तो इसमें लिखा है कि इफ दिस डज हैपन आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू एक्नॉलेज दैट द ब्रिटिश हैव डन समथिंग वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। उनका कहना है कि ये जो हुआ है तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं इसको मानता हूं कि ब्रिटेन ने एक बहुत ही अलग कुछ किया है। और फर्स्ट कमला हैरिस नाउ ऋषि सुनक द पीपल ऑफ द यूएस एंड द यूके हैव एम्बैरस्ड द नॉन मेजॉरिटी सिटीजन्स। तो उनका कहना है कि भाई अमेरिका और साथ ही ब्रिटेन के लोगों ने नॉन मेजॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के लीडर्स को अपनाया है, लेकिन भारत में तो बहुत पहले से ही मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो सिख समुदाय से आते हैं अल्पसंख्यक से आते हैं वो भी भारत की कमान संभाल चुके हैं। कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने बनवाया था, जनता जिसे चाहे वो पीएम बनाएगा, कांग्रेस एक परिवार का हित छोड़कर लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि ऋषि सुनक के मामले में कमेंट करने वाली कांग्रेस पीएफआई पर चुप्पी क्यों साध लेती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने लेकिन यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं तमाम सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा होगा कि भारत में भी कोई अल्पसंख्यक जो है प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, पहली बात मुझे ये कहनी है कि ये भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है कि दीपावली के शुभ दिन एक भारतीय मूल के योग्य नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक को मेरी बहुत बधाई। अब जहाँ तक भारत में राजनीति का सवाल है, मैं नहीं मानता कि ये अवसर है राजनीति करने का, नहीं होना चाहिए, पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के मित्र ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात करूँगा कि एपीजे कलाम भारत के अति लोकप्रिय योग्य राष्ट्रपति हुए, उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल जी बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। एक बहुत योग्य दलित समाज के नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र। तो चिदंबरम और थरूर के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने भी ट्वीट किया और पलटवार किया। शहजाद पुनावाला ने ट्वीट करके कहा कि थरूर और चिदंबरम ने कभी भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं माना था। शहजाद ने अपने ट्वीट में उन चार पूर्व राष्ट्रपति के नाम गिनाए जो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। ये पूर्व राष्ट्रीय हैं जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और अब्दुल कलाम। तो ये ट्वीट है शहजाद पुनावाला का जिन्होंने नामों के साथ पलटवार किया कांग्रेस को कि देश में तो पहले ही कई अल्पसंख्यक लीडर्स राष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। थरूर चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस की सफाई भी आई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का बयान आया है कि हमें किसी देश से सीखने की जरूरत नहीं है, अनेकता में एकता वाला देश भारत है, देश में कई राष्ट्रपति पीएम सीएम अल्पसंख्यक बने हैं। तो ये कहना है जयराम रमेश का, सुनते हैं। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में, हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हमारे देश में
मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में एआर अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने, उनसे पूछे ना, उनसे पूछिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, मैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता। मिसाल हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का, अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले अब कांग्रेस की तरह पीडीपी ने भी ऋषि सुनक के बहाने भारत की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूके को भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री मिलना गर्व की बात है। जिस वक्त पूरे भारत इसका जश्न मना रहा है, इस वक्त हमें यह याद रखना चाहिए कि यूके ने दूसरे मूल के एक अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया है। लेकिन हम एनआरसी और सीए जैसे बांटने वाले और भेदभाव करने वाले कानूनों की जंजीरों में कैद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।